दोस्तों, न्यूमेरिकल की सीरीज जो मैं चला रहा था उसी कड़ी में यह अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है न्यूमेरिकल के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अलग अलग परीक्षाओं में वो सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। पानी गर्म करने में किया जाता है, 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी? ठीक है, बिजली की खपत पूछ रहा है यह प्रश्न, आरआरबी पटना लोको पायलट 2012 में पूछा गया है। दोस्तों, इसी तरह के सारे देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल के, ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं। इसके ऑप्शन थे दोस्तों, 20 किलोवाट घंटा, मतलब 10 यूनिट, 20 यूनिट, 0.2 यूनिट और 220 यूनिट। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमें दिया क्या क्या गया है। तो पावर इज इक्वल टू दिया गया है 1000 वाट, 1000 वाट, और टी इज इक्वल टू दिया गया है 2 घंटा। ठीक है, तो अब हमें बिजली की खपत देखना है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1000 गुणे कितने घंटे तक, 2 घंटे तक, और कितने दिनों तक, 10 दिनों तक, तो गुणे 10 बटे बटे 1000। ठीक है, ये देखिए इस 1000 से ये 1000 कट गया पूरा का पूरा। अब देखिए 10 दूनी 20 इजिकल टू 20, तो W इजिकल टू हो जाएगा 20 kWh, या इसी को लिख सकते हैं 20 यूनिट। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। 20 kWh, 20 kWh मतलब 20 यूनिट, मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि 120 वोल्ट एसी परिपथ का प्रतिरोध 40 ओम है तो परिपथ की औसत शक्ति होगी। यह प्रश्न आरआरबी चंडीगढ़ लोको पायलट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन थे √2/360 वाट, 360 वाट, 360/√2 वाट और 360/√2 वाट। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखते हैं हमें दिया क्या क्या गया है। पावर इजिकल टू दिया गया है 120 वोल्ट, ठीक है, और आर रेजिस्टेंस इजिकल टू दिया गया है 40 ओम। हमारे पास फार्मूला क्या है, पी इजिकल टू वी स्क्वायर अपान आर, ये फार्मूला है, ये पी नहीं दोस्तों, ये वी है, सॉरी ये वी है। ठीक है, तो V का मान हमें दिया गया है 120, और चूंकि स्क्वायर है तो इंटू 120 बटे R का मान है 40, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, इजिकल टू जाएगा 12 दूनी 12 प्राइम 144 और एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है, बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 4 3 12 और 4 6 24, ठीक है, जीरो एक जीरो ये आ गया, तो P इक्वल टू हो जाएगा 360 वाट। यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। 360 वाट, 360 वाट मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से दोस्तों आपका बस एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है एक लाइक करने में, और आपके एक लाइक करने से दोस्तों
बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को खुशी मिलती है कि लोग हमारी वीडियो पसंद करते हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। तो पूरी वीडियो को वॉच करिए और एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी लग रही हैं, बाकी सारी जितनी वीडियोज मैंने बनाई हैं वो भी सारी वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 100 वाट के हीटर को 2 घंटे तक जलाने से कितनी ऊर्जा की खपत होगी। यह प्रश्न RRB मुंबई लोको पायलट 2004 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन थे 2 यूनिट, 0.2 यूनिट, 2.5 यूनिट, 1.5 यूनिट। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया क्या क्या गया है वो देख लेते हैं। P = 100 दिया गया है, ठीक है, ये देखिए 100 वाट दिया गया है, और T = दिया गया है 2 घंटा, ये है। अब देखते हैं हमारे पास फार्मूला जो है W = P × T, ठीक है। तो P का मान कितना है, 100 × T का मान है 2 = हो जाएगा 200 वाट घंटा, ये आ गया। अब एक यूनिट बराबर 1000 वाट, 1000 वाट बराबर एक यूनिट होता है, या 1 किलोवाट हो गया, इसी को हम 1 किलोवाट भी लिख सकते हैं, 1 KWH, ठीक है, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं। तो अब हमें 200 वाट घंटे का पता करना है कि वो कितना यूनिट बनेगा। तो सीधे आ जाएगा 200 बटे, सीधे 1000 का भाग दे देंगे आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10 = आ जाएगा 1/5। अब 1/5 का भाग दे देंगे 1 में, तो 1 में पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 × 10 कट गया, तो 0.2 आ जाएगा। तो अब आएगा हमारा आंसर जो आएगा वो 0.2 यूनिट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। 0.2 यूनिट, 0.2 यूनिट मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। अगर दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि एक लाइक कर दीजिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 750 वाट के विद्युत केतली में प्रतिदिन 3 घंटे तक पानी गर्म किया जाता है, 10 घंटे में कितनी यूनिट विद्युत की खपत होगी, ठीक है। यह प्रश्न RRB अजमेर लोको पायलट 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ऑप्शन थे 15 यूनिट, 17.5 यूनिट, 5.25 यूनिट और 22.5 यूनिट। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या क्या गया है। P = दिया गया है 750 वाट ये है, ठीक है। इसके बाद T = दिया गया है 3 घंटा, ये दिया गया है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, खपत निकालनी है। तो ऊर्जा खपत = 750 वाट है, कितने टाइम तक 3 घंटे तक यूज करना है, और कितने दिन तक, 10 दिन तक, बटे 1000, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए 3 × 5 = 15 हासिल 1, और 3 × 7 = 21 = 22, ठीक है, 225/10 यह आ गया। अब देखिए सीधे 10 का अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो यहां पर 10 मिनट लग जाएगा। अगर आपको कैसे लगाया हमने ये आपको देखना है तो कैसे लगाया तो वो भी देख लीजिए। सीधे 10 का भाग दे दीजिए 225 में, तो 10 × 20 = 2, ठीक है, तो 5 उतार देंगे
तो 10 दुनी 20, ठीक है, तो 5 आएगा। अब 5 में तो भाग जाएगा नहीं, दसवनों लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, तो 10 बच्चे 50, ये कट गया। दोस्तों अगर नीचे 100 होता तो यहाँ पर दसवनों लगा देते, ठीक है, 1000 होता तो यहाँ पर दसवनों लगा देते, केवल 10 है तो यहाँ पर हमने दसवनों लगा दिया, तो इक्वल टू हो जाएगा 22.5, और यही हमारा यूनिट है, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, मतलब 22.5 यूनिट, 22.5 यूनिट हमारा ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों ये रहे 4 प्रश्न न्यूमेरिकल के, जो कि काफ़ी आसान तरीके से मैंने सॉल्व करके बताने की पूरी कोशिश की है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बताएं कि इस चैनल पर काफ़ी आसान तरीके से जो परीक्षा उपयोगी और इम्पॉर्टेंट, जो कि सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को ला करके सॉल्व करके बहुत आसान तरीके से सॉल्व करके बताया जाता है, जिससे उनको भी इन क्वेश्चनों से कुछ फ़ायदा मिल सके। तो स्क्रीन के नीचे देखिए दोस्तों एक सब्सक्राइब की रेड कलर की बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन की बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस चैनल पर रोज़ एक इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होती है, जो कि आपके लिए आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।